नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एक टेम्परेट साइक्लोन का टॉपिक डिस्कस किया था, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में हमने एक वर्ड्स बहुत सारा जब भी डिस्कस कर रहे थे तो एक वर्ड आ रहा था, थंडरस्टॉर्म, याद है। तो उस थंडर स्टॉर्म्स को मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, बट मैंने उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। सो इस क्लास में जो है ना, एक एक्स्ट्रा टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय थंडर स्टॉर्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्नेडो, ठीक है। सो ये थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडो आज का टॉपिक है, ऑलराइट। सो चलिए पहला शुरू कर लेते हैं थंडर स्टॉर्म के साथ, ये होता क्या है। देखो थंडर स्टॉर्म, ठीक है, इसको मतलब अलग अलग देखो, थंडर और स्टॉर्म, ठीक है। थंडर मतलब क्या होता है और स्टॉर्म मतलब क्या होता है। स्टॉर्म तो आप बहुत सुने होंगे, स्टॉर्म मतलब क्या होता है, एक वायलेंट विंड जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादले हो, बारिश हो रही हो, बहुत ज़्यादा वायलेंटली वो विंड जो है यू नो बह रहा हो, ठीक है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड स्टॉर्म, राइट। अब थंडर स्टॉर्म क्या होगा, दैट वैसा स्टॉर्म जिसमें थंडर भी हो, दैट इज़ बहुत गरजता नहीं है बादल, एकदम आप देखते होंगे यू नो बहुत बड़ा, बहुत आवाज़ करता है, गरजता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बादल गरजना, उसी को बेसिकली थंडर स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, ये होता क्या है बेसिकली, ये एक इंटेंस लोकल स्टॉर्म है, ठीक है, एक लोकल एरिया में जो है ये स्टॉर्म फॉर्म होता है। और कैसे होता है भाई, क्योंकि उस लोकल रीजन में जहाँ पर भी ये स्टॉर्म फॉर्म हो रहा है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पहली बात तो क्रिएट हुआ होगा, और लो प्रेशर के साथ साथ अपड्राफ्ट है, होता है एयर का, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। देखिए अपड्राफ्ट मतलब जब भी एयर ऊपर जाता है इसको अपड्राफ्ट कहेंगे, जब भी लेयर एयर नीचे आएगा उसको डाउन ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी एक छोटा सा रीजन में स्ट्रांगली अपड्राफ्ट हो रहा हो एयर का, सो दैट इज़ द वेरी कंड्यूसिव कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, दैट इज़ बहुत ही लंबा लंबा क्लाउड्स देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा लंबा क्लाउड्स। अच्छा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मतलब आप समझ तो गए होंगे लंबा क्लाउड, ठीक है, बट इसका अगर एक्चुअल अगर आप कभी डेफिनेशन भी लिखना हो ना तो आप ये बता सकते हैं दैट क्लाउड बेस, दैट इज़ ये वाला रीजन को क्लाउड बेस कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड बेस और आइसिंग लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है जिस क्लाउड में है, दैट इज़ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, मतलब जो मैक्सिमम वाला क्लाउड जो होता है पॉसिबल, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। आइसिंग लेवल मतलब आप समझ सकते हैं दैट इस लेवल के ऊपर जो है क्लाउड्स आइस बनना स्टार्ट फॉर्मेशन हो जाता होगा, ठीक है। सो एनीवेज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है ये थंडरस्टॉर्म जो है एसोसिएटेड है विथ लार्ज डेंस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इसी के कारण थंडरस्टॉर्म्स के कारण जो है, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, और हैवी रेनफॉल के साथ क्लाउड थंडर तो होता ही है, बादल तो गरजते ही हैं, ठीक है, साथ ही साथ लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब लाइटनिंग कैसे होता है वो भी हम आने वाले स्लाइड्स में ऑफकोर्स हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट देखिए कभी कभी क्या होता है ना दैट कोई एक पर्टिकुलर रीजन में, अगर लोकल रीजन में, एक छोटा सा पर्टिकुलर रीजन में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर हुआ, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ रीजन में जो है बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, और इस फिनोमेना को हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ठीक है। और ये क्लाउड बर्स्ट जो होता है वहाँ पर रेनफॉल एक शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण होता है, ठीक है, स्पेशली किस मैकेनिज्म के कारण, कन्वेक्टिव मैकेनिज्म, कैसे होता है, बाय द स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर। और वो क्यों होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नाउ डिस्कस करें, अगर करें स्ट्रक्चर ऑफ थंडरस्टॉर्म, तो देखिए ये बेसिकली थंडरस्टॉर्म जो होता है ना डिफरेंट अलग अलग कन्वेक्टिव सेल्स का होता है, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है दैट एक पर्टिकुलर रीजन में अगर थंडरस्टॉर्म आया तो वो एक ही रीजन में आया होगा, मतलब उसके आजू बाजू जो है छोटा छोटा कन्वेक्टिव सेल्स बन सकता है, ठीक है, वी डोंट नो इट राइट, बट हाँ ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिकल डेटा के अनुसार ये पाया गया है दैट ये थंडरस्टॉर्म जो होता है ना ये बहुत सारे कन्वेक्टिव सेल्स के बने हुए रहते हैं,
है ना, कभी कभी बहुत सारा कन्वेक्टिव सेल एक साथ जुड़ जाता है तो वो एक बड़ा सा सेलो बन बन जाता है। एनीवेज वो तो बात की बात है, बट यूजुअली ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव सेल्स के बने हुए रहते हैं जहाँ पर अपड्राफ्ट जो होता है एयर का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होता है। और हर एक सेल जो थंडरस्टॉर्म का होता है वो एक साइकिल से गुजरता है, एक लाइफ साइकिल से हम बोल सकते हैं गुजरता है। वो लाइफ साइकिल क्या है, वो पहले यूथ स्टेज में पहुंचता है, उसके बाद मैच्योर स्टेज से गुजरता है और फाइनली डिसिपेटिंग स्टेज होता है उसका। ठीक है, तो एक एक स्टेज अगर डिस्कस करें तो यूथ स्टेज पहले देख लेते हैं। अब यूथ स्टेज में कॉमन सेंस लगाइए, यूथ मतलब छोटा, मतलब इनिशियल स्टेज होगा ये ज़रूर है ना। जब यू नो अपड्राफ्ट ऑफ एयर जो होता है तो क्या होता है ना, इनिशियल स्टेज में क्यूमुलस स्टेज दैट इज क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म्स होते हैं, वार्म एयर जो है वो राइज होता है स्ट्रांगली अपवर्ड एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और अपड्राफ्ट ऑफ एयर होता है, ध्यान दीजिएगा, इस स्टेज में अपड्राफ्ट ऑफ एयर होता है, इस स्टेज में अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट दोनों होता है, और इस थर्ड वाले स्टेज में जो है सिर्फ डाउन ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप ज़रूर ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो यूथ स्टेज तो ये हो गया। अब दूसरा आता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में जैसे कि मैंने पहले ही बोला अपड्राफ्ट भी होता है और डाउन ड्राफ्ट भी होता है। अपड्राफ्ट क्यों होता है, देखो अब यूथ स्टेज के बाद जो है मैच्योर स्टेज आता है, दैट इज यूथ स्टेज के बाद देखो यहाँ तक ही सिर्फ क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ था, बट अब क्लाउड ऊपर जाती रहती है। क्यों भैया, क्योंकि वो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है ना उसको लूज करके वो ऊपर जाते रहती है, तो ऑटोमेटिकली अपड्राफ्ट हुआ। अब डाउन ड्राफ्ट क्यों होता है, आप खुद सोचो, नीचे पहले लो प्रेशर था, ऊपर पहले हाई प्रेशर था, ठीक है, तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर विंड का मूवमेंट हुआ। अब डाउन ड्राफ्ट इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ऊपर में जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड नीचे में जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है डाउन ड्राफ्ट होने लगता है और इसीलिए जो है देयर अकर्स रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, तो यूथ स्टेज कवर हो गया, मैच्योर स्टेज कवर हो गया। अब तीसरा स्टेज में आता है जहाँ पर सिर्फ डाउन ड्राफ्ट होता है, डिसिपेटिंग स्टेज। डिसिपेटिंग स्टेज में क्लियरली लिखा हुआ है दैट डाउन ड्राफ्ट डाउन वर्ड मूवमेंट ऑफ विंड हमें देखने को मिलता है और इसी के साथ जो है बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी बारिश होती है लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उस डिसिपेशन स्टेज में तो ऑफकोर्स यार मतलब आप खुद ही सोचिए ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का जो एक्सटेंट है वो घटते लगता है, ठीक है, तो वो बारिश भी घटते जाती है। ठीक है, बट एनीवेज यहाँ पर भी बारिश होती है एंड रेनफॉल विथ क्लाउड्स लाइक एल्ट्रोस्टेटस एंड सीरोस्टेटस। यहाँ पर जो क्लाउड बना था, ठीक है, आपका जाके निम्बोस्टेटस, वो क्लाउड और मेंटेन्ड नहीं रहता है, क्लाउड छोटा छोटा होने लगता है। ठीक है, और फाइनली क्लाउड जो है इस स्टेज में डिसिपेटिंग स्टेज में एल्ट्रोस्टेटस एंड सीरोस्टेटस टाइप ऑफ क्लाउड यू नो रह जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रीरिक्विजिट कंडीशन ऑफ थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट। अब ये सब तो शायद नहीं बताना पड़ेगा, अभी जितना हम लोग पढ़े ऑटोमेटिकली उससे समझ जाइएगा। चलिए आप दिमाग में यू नो लाने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए दैट क्या क्या प्रीरिक्विजिट कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, चलो सोच लिया, अब देखते हैं। प्रीरिक्विजिट कंडीशन है, सबसे पहला तो है दैट वहाँ पर जो है एयर जो है वो पोटेंशियली वार्म होना चाहिए और अनस्टेबल होना चाहिए जिसके कारण अपड्राफ्टिंग मूवमेंट में आसानी हो उस वहाँ के लोकल एयर की। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी कंडीशंस होने प्रिवेल करनी चाहिए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कंडीशन एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस प्रिवेल करे तो यू नो ये जो है थंडरस्टॉर्म्स होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी कंडीशंस जो है वो होना ज़रूरी है। सरफेस हीटिंग दैट इज इंटेंस इंसोलेशन के कारण वहाँ उस रीजन का सरफेस हीट अगर हो तो उसके कारण जो है अपड्राफ्ट ऑफ एयर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यू नो कन्वेक्टिव मैकेनिज्म के आधार पर अपड्राफ्टिंग हमें देखने को मिलता है। समर सीजन में जो है वार्म आवर ऑफ द डेज में हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि समर सीजन एक तो गर्म है, ऊपर से यू नो कोई पर्टिकुलर रीजन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, तो ऑफकोर्स दैट इज़ अ वेरी गुड कंडीशन, दैट इज़ अ प्री काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट कंडीशन ना फॉर द हैपनिंग ऑफ दीज यू नो थंडरस्टॉर्म्स। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा दैट जो एयर जो है वो वार्म मॉइस्ट और राइजिंग होना चाहिए, विच शुड बी अनस्टेबल एज वेल। नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो एडियाबेटिक रेट से इसमें ज़्यादा होता है। ओरोग्राफिक ऑब्स्टेकल जब भी पहाड़ वहाड़ आ जाए तो राइज ऑफ वाटर एंड मॉइस्ट विंड हमें देखने को मिलता है, जब भी पहाड़ आए तो हमें देखने को मिलता है देर इज अकर्स राइज इन यू नो वार्म एंड मॉइस्ट विंड अलोंग द यू नो
माउंटेन सर्विस, तो उसके कारण भी बहुत समय हम देखते हैं दैट ये थंडरस्टॉर्म्स उस रीजन में डेवलप होता हुआ दिखता है. ग्रेटर इंस्टेबिलिटी ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर लीड्स टू ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म. अगर एयर वार्म और मॉइस्ट हो और उस एयर की इंस्टेबिलिटी, ऑफकोर्स मॉइस्ट वार्म एयर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबल होता है, तो उस कंडीशन में जो है इंटेंसिटी जो है थंडरस्टॉर्म्स का बहुत ज़्यादा होता है. बट वहीं अगर वार्मनेस और मॉइस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो तो उस समय इंटेंसिटी जो होता है थंडरस्टॉर्म्स का वो रिस्पेक्टिवली कम होता है. ठीक है. नाउ ग्रेटर थिकनेस ऑफ क्लाउड्स बिटवीन क्लाउड बेस एंड आइसिंग लेवल, वही ना क्यूमुलोनिम्बस जो हम लोगों ने बोला. ठीक है, तो क्यूमुलोनिम्बस में क्या होता है ना, दैट थिकनेस जो है क्लाउड बेस और आइसिंग लेवल. क्लाउड बेस हमने क्या देखा था, जहाँ से क्लाउड फॉर्म होता है और एक लेवल होता है जिसके ऊपर जो है आपका आइस क्रिस्टल्स होना फॉर्म हो जाता है. तो ये वाला जो रीजन अगर ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, ये वाला रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो दैट इज़ वेरी मच गुड कंडीशन फॉर द हैपनिंग ऑफ दीज यू नो थंडरस्टॉर्म्स. राइट. नाउ ध्यान दीजिएगा, सिंस आइसिंग लेवल इज एट लो हाइट इन द मिडिल लैटिट्यूड, इसलिए हम लोग थंडरस्टॉर्म्स मिडिल लैटिट्यूड में नहीं देखते हैं. ठीक है, बट ये ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है ना आइसिंग लेवल रिस्पेक्टिवली बहुत ऊपर रहता है, तो इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन इज वेरी मच कंड्यूसिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज बिग बिग आपका जाके यू नो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. राइट, तो उस सिचुएशन में जो है हम थंडरस्टॉर्म्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में. ठीक है, बट दैट डजंट हैपन्स इन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन. राइट, जैसे हम लोग लैटिट्यूड ऊपर जाते रहते हैं. एनीवेज, अब डिस्कस करते हैं वेदर. थंडरस्टॉर्म जब भी आता है तो उस वो अपने साथ डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर लाता है. वो किस तरह का वेदर होता है भाई, देखो पहला तो है रेनफॉल, वो अपने साथ लाता है. दूसरा हेल स्टॉर्म्स होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके पढ़ेंगे. तीसरा लाइटनिंग, थंडरिंग और स्क्वैल. ये सब चीज़ें क्या होती है, हर एक चीज़ों को अच्छे से देखते हैं. रेनफॉल, रेनफॉल तो ऑफकोर्स ये तो समझाना नहीं पड़ेगा बेसिकली. ठीक है, क्योंकि कब क्या होता है ना, दैट एयर, सोचो कहीं पर अगर एयर अगर अब्रप्टली राइज करेगा तो कंडेंसेशन भी क्विकली होगा. कंडेंसेशन क्विकली होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी होगा. क्लाउड फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होगा और ज़्यादा अगर ऊपर तक, दैट इज़ क्लाउड बेस और आइसिंग लेवल का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा रहा, तो दैट इज़ वेरी मच गुड कंडीशन दैट तब जो है रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होएगी. ठीक है, क्योंकि उस समय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है. नाउ ध्यान दीजिएगा दैट ये जो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, दैट अपड्राफ्ट जो होता है वो डिफरेंट सेल्स में होता है. ठीक है, तो कभी भी अगर फुल्ली डेवलप्ड हम सेल्स देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन में जो है रेनफॉल ज़्यादा देर तक होएगा. कभी भी अगर वीक सेल्स हमें देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन में जो है रेनफॉल ज़्यादा देर तक नहीं होएगा, रिस्पेक्टिवली कम देर तक होएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म क्या होता है, जब कंडेंसेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो हो जाता है तब जो है आपका जाके हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है. नाउ ध्यान दीजिएगा, ये थंडरस्टॉर्म्स के साथ ही आता है हेल स्टॉर्म, लेकिन ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है दैट हर थंडरस्टॉर्म में हम हेल स्टॉर्म देखने को मिलेगा. नहीं, कुछ कुछ थंडरस्टॉर्म्स हैं जहाँ पर हेल स्टॉर्म्स हमें देखने को मिलता है, और ये वैसे थंडरस्टॉर्म्स हैं जब जहाँ पर कंडेंसेशन जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है, दैट इज़ आइसिंग लेवल के ऊपर भी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है तब. ठीक है, इट इज़ कॉन्फाइंड टू सर्टेन सेल्स ऑफ द थंडरस्टॉर्म्स, दैट इज़ वैसे सेल्स जो क्या फॉर्म होता है अबव द आइसिंग लेवल. देख रहे हो, यही ना चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, देर इज सडन फॉल ऑफ हेल्स विच डैमेजेस प्रॉपर्टीज क्रॉप्स एंड ह्यूमंस. जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है यार, ओले अगर गिरते हैं तो यू नो प्रॉपर्टीज़ भी लॉस होती है. ठीक है, बहुत शीशे वीशे बहुत घर के टूट जाते हैं. ठीक है, जिनका यू नो एकदम कच्चा का घर है उनका तो घर ही बर्बाद हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं. ठीक है, पशु यू नो बहुत समय यू नो लोगों का देहांत भी हो जाता है ना, तो इस टाइप की चीज़ें बेसिकली इन हेल स्टॉर्म से होती है. नेक्स्ट इज लाइटनिंग, बिजली कड़कना. ठीक है, अब क्या होता है ना, मैच्योर जो थंडरस्टॉर्म होता है ना दोस्तों, जहाँ पर यू नो आपका जाके क्लाउड बेस और आइसिंग लेवल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो उस टाइप के थंडरस्टॉर्म्स में जहाँ पर सबसे मैच्योर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, हम वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को हमें मिलता है. अब देखो क्या होता है ना, इसका वैसे फिनोमिना ज़्यादा डिस्कस डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि शायद आप क्लास 10th या क्लास 12th के साइंस बुक में लाइटनिंग के बारे में ज़रूर पढ़िएगा. तो इसमें क्या होता है ना, जब जैसे ही यू नो क्लाउड्स ऊपर जाते हैं तो क्लाउड्स अपने आप में चार्ज एक्यूमुलेट कर लेते हैं. ठीक है,
ऊपर वाले क्लाउड्स प्लस चार्ज हो जाते हैं, नीचे वाले क्लाउड्स नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। अब क्या होगा ना, एक चार्ज या फिर दो चार्ज अगर क्रिएट हुआ तब तो ऑफ कोर्स कुछ लाइटनिंग वाइटिंग कुछ नहीं क्रिएट होता है, है ना। बट कभी एक विद टाइम, है ना, विद टाइम पीरियड जो है ये चार्जेस जो है बढ़ते जाती है, बहुत ज़्यादा चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो सोचिए अपर क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज और नीचे रीजन में जो है बहुत सारे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, है ना। तो यू नो अब लेकिन एटमॉस्फेयर के लिए ये नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऑफकोर्स जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो वहाँ पे एनर्जी तो फ्लो तो करेगा, है ना। अब एनर्जी फ्लो के साथ जो है हीट एनर्जीज भी हमें देखने को मिलता है और लाइटनिंग एनर्जी भी देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है हमें थंडर बेसिकली देखने को मिलता है। ये देखो इसका कॉन्सेप्ट आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लूँ, से फॉर एग्जांपल कोई सरकारी पॉलिसीज़ के खिलाफ आप अगर आवाज़ उठाना चाहे, ठीक है, आप अगर अकेले आवाज़ उठा रहे हो तब तो कुछ नहीं हो रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं ही आवाज़ उठाना चाहूँ, मैं बोल रहा हूँ उधर नहीं, ये सरकार जो है ये स्कीम बहुत गलत लाई है, तो मैं अगर अकेले अगर फेसबुक में ढिंडोरा पीटता रहूँगा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मम्मी बोलेगी बेटा शांत हो जा, कोई सुनने नहीं वाला। बट वहीं अगर मैं सबको, हर एक जो आप लोग दोस्तों के साथ मिलकर अगर मैं बोलने जाऊँ दैट अरे भाई ये सरकार गलत कर रही है, अगर पूरा कौम एक साथ बोलने लग गए ना तो सरकार वो बात ज़रूर सुनेगी, समझ रहे हो। वही चीज़ कहीं ना कहीं चार्जेस के साथ भी होता है, अगर इक्का दुक्का अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उससे कुछ नहीं लाइटनिंग वाइटनिंग होगा, ठीक है। बट जब एक मेजॉरिटी यू नो प्लस चार्ज मेजॉरिटी नेगेटिव चार्ज जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो ये एटमॉस्फेयर के लिए भी नज़रअंदाज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन लोगों को, ठीक है। और तब यू नो हम देखते हैं दैट ट्रांसफ़र ऑफ यू नो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एंड इसके कारण जो है हमें लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, सो वही चीज़ यहाँ पर भी लाइटनिंग के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप अगर चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। थंडर, अब देखो थंडर मतलब क्या हुआ, दैट जब बहुत ज़्यादा वो जो आवाज़ जो निकलता है ना, है ना, आप लाइटनिंग जब भी होगा एक बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनिएगा, ठीक है, वो आवाज़ को थंडर कहते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस किस लिए होता है, क्योंकि सडन एंड रैपिड एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है एयर कॉलम का। अब ये क्यों हुआ भाई, देखो लाइटनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से जो है आपका जाके यू नो ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तभी लाइटनिंग होता है। अब सोचो एनर्जी ट्रांसफ़र किया, लाइटनिंग हुआ, तो लाइट तो एक बहुत तगड़ा एनर्जी होता है भाई, उसमें बहुत सॉलिड एनर्जी होता है। इनफैक्ट कहा जाता है इस एनर्जी को अगर ट्रैप किया जाए ना तो एक बड़े शहर को महीनों महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, इतना ज़्यादा पावर होता है इस सब में। बट उसको ट्रैप, लाइटनिंग को ट्रैप करने का अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं निकला। एनीवेज थंडरिंग में आता है, थंडरिंग क्या होता है ना, ये जब भी यू नो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्रिएट होता है, तो लाइटनिंग क्रिएट हुआ। अब लाइटनिंग मतलब उस रीजन में, सो जहाँ पर लाइट, सोचो ये वाला रीजन में लाइटनिंग क्रिएट हुआ तो इस रीजन में हीट भी तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ होगा, मतलब वो रीजन जो है सडनली और रैपिडली एक्सपैंड करेगा, उस रीजन का जो एयर कॉलम है ना वो सीधा एक बार में एक्सपैंड करेगा। सोच रहे हो एकदम विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप बोल सकते हैं दैट ये एयर कॉलम ब्राम से एक्सपैंड करता है, अचानक से जो एक्सपैंड करता है ना उसके कारण जो है ये थंडर वाला साउंड हमें देखने को मिलता है, मतलब सुनने को, सॉरी देखने को तो नहीं, आप कान में आराम से सुन पाओगे जो बहुत ज़्यादा यू नो जो नॉइज़ क्रिएट बेसिकली करता है, ठीक है। तो ये हुआ थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट इज स्क्वल्स। अब स्क्वल क्या होता है, देखो ये जो है ना थंडरस्टॉर्म के आफ्टर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बहुत समय जो होता है हम देखते हैं थंडरस्टॉर्म जो है मैच्योर और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उसमें, ठीक है। तो स्क्वॉल्स क्या होता है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट और डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है कोल्ड एयर का एट द ग्राउंड सरफेस फ्रॉम अबव, ठीक है, उसको हम स्क्वॉल्स कहते हैं। स्क्वॉल्स में क्या होता है ना, स्क्वॉल्स की वेलोसिटीज जो है बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनफैक्ट कहा जाता है दैट ये हरिकेन वेलोसिटी से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है टू द ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड वेजिटेशन। ऑलराइट, नाउ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं थंडरस्टॉर्म को। दोस्तों एयर मास थंडरस्टॉर्म और फ्रंट थंडरस्टॉर्म के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, एज सच इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, शायद ही इसके इतने डेप्थ में पूछे, बट स्टिल वी शुड यू नो अबाउट इट। थर्मल और लोकल थंडरस्टॉर्म,
लोकल से आप नाम समझ ही गए होंगे दैट यार लोकल रीजन में, छोटा रीजन में ही होगा। अब लोकल भी मतलब वो नहीं दैट 1-2 सेंटीमीटर, ये भी मत समझिए लोकल। जब ज्योग्राफी के टर्म में छोटा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ना लोकल लेवल, तो वो भी कुछ कुछ किलोमीटर्स का होता होगा, ठीक है। तो ये जो है पहला है थर्मल एंड लोकल थंडरस्टॉर्म, ये ओरिजिनेट होता है ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस। कहीं पे अगर ग्राउंड सरफेस बहुत ज़्यादा इंटेंसली हीट हो जाए तो वहाँ पर इस टाइप के थंडरस्टॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, और ये लिमिटेड एरिया में ही हमें देखने को मिलेंगे। आफ्टरनून टाइम में यूजुअली गर्मी के समय में आफ्टरनून टाइम में हम ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इवनिंग टाइम तक ये डाई आउट भी हो जाता है। ये ज़्यादातर हम बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम, जी हाँ दोस्तों, इक्वेटोरियल रीजन में जो है उस बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स में हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लार्जर अमाउंट ऑफ एयर मॉइस्चर हमें देखने को मिलेगा, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ही होता है, और वहाँ पे विंड भी हमें कन्वर्ज होता हुआ दिखता है। इट बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड विगोरस इफ सरफेस थ्रू विच दे ट्रैवल इज वार्मर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग और विगोरस होता है अगर जिस सरफेस से ये ट्रैवल हो रहा है वो अगर वार्म हो तो ऑफकोर्स वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कॉमन सेंस सा बात है, ठीक है। और अगर ये यू नो वाटर बॉडीज से पास करती है थंडर स्टॉर्म्स, तो रिस्पेक्टिवली जो है यू नो ये डाई आउट हो जाती है, ठीक है। और इसका प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसका प्रेडिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनसर्टेन है। दूसरा है ओरोग्राफिक थंडर स्टॉर्म। ओरोग्राफिक थंडर स्टॉर्म्स ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था वैसे। इसमें क्या होता है ना, दैट देखो माउंटेन है, ठीक है, ये क्लाउड जो है ऊपर उठते रहती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन छोड़ते रहती है, ठीक है, एंड इसी के कारण लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन छोड़ते कर रहती है, उसी के कारण रेट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर जो है और भी ज़्यादा एक्सेलरेट होता जाता है, जिसके कारण जो है ये विंड ऊपर जाती रहती है। देर इज एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म विच यील्ड्स कॉपियस हैवी रेनफॉल। इसी के कारण हम चेरापूंजी में इतनी ज़्यादा रेनफॉल, चेरापूंजी मौसनराम में जो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे फनलिंग इफेक्ट के कारण जो है इस टाइप ऑफ ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इट इज़ मोर एक्सटेंसिव, वाइड स्प्रेड एंड एक्टिव देन हीट थंडरस्टॉर्म, दस देयर फॉरकास्ट इज रिस्पेक्टिवली मच ईजियर देन द लोकल थंडरस्टॉर्म एज वेल। तीसरा एडवेक्शन थंडरस्टॉर्म, क्या होता है ना, डार्क नाइट के समय अपर लेयर ऑफ क्लाउड जो है वो कूल हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि रेडिएशन के कारण हीट लूज होगा, ठीक है। अब कूल और डेंस एयर जो है वो ऑफकोर्स यू नो वो सेटल करने की, कूल तो एयर सबसे सेटल करने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, दैट कूल एयर जो है वो सेटल करने काउंट डाउन करने की कोशिश करेगा। अब अगर वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो नीचे का जो रिस्पेक्टिवली जो हवा है मतलब गर्म हवा है इसके रिस्पेक्टिव उसको तो ऊपर फेंकेगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, जिसके कारण एडवेक्शन थंडरस्टॉर्म्स हमें कभी कभी देखने को मिलता है, नॉट दैट वेरी कॉमन। नेक्स्ट इज वार्म फ्रंटल थंडरस्टॉर्म, जहाँ पे सी ब्रीज के कारण हमें थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलता है। ये रिस्पेक्टिवली वीक थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि एयर जो है एसेंट करता है बट इन अ वीक यू नो ज़्यादा इंटेंसिटीज के साथ नहीं, ठीक है, वीकली मतलब ज़्यादा इंटेंसिटीज का नहीं रहता है। कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म, ये कोल्ड फ्रंट फ्रंटोजेनेसिस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वही वाला याद रख लीजिए, वही चीज़ कोल्ड फ्रंट होता है, कुछ अलग सा बेसिकली कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना इस टाइप ऑफ कोल्ड फ्रंट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कोल्ड एयर जाती रहती है और रिस्पेक्टिवली जो गर्म हवा है उसको ऊपर फेंकते रहता है, तो और यहाँ पर जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वही वाला एकदम सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी लगा है, दैट ये कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म जो होती है वो डेवलप करती होती है अलॉन्ग द कोल्ड फ्रंट इन द टेम्परेट साइक्लोन। कोल्ड और डेंस एयर जो है वो पुश करता है वार्म एयर को अबव, ठीक है, तो इसी के कारण जो है टेम्परेट साइक्लोन्स हमें फॉर्म होते हुए देखता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इजीली प्रेडिक्टेबल थंडरस्टॉर्म भी है और कभी भी ये फॉर्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके ओरिजिन इज़ नॉट रिलेटेड टू हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस, और ये जो है कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म जो है ये डायनामिकली इंड्यूस्ड जो है थंडरस्टॉर्म्स है, ठीक है। तो ये सब तो थंडरस्टॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो क्या है, दैट ये सबसे वॉयलेंट मतलब स्टॉर्म है, हम ये बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट, बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब विंड स्पीड होता है ना, सॉलिड विंड स्पीड होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए आज आप पढ़ते हैं ना एक साथ ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो ये बेसिकली फनल शेप ऑफ स्टॉर्म देख रहे हैं, यहाँ से सोचिए नीचे से जो है एयर का इनफ्लो होता है, ठीक है, और फनल शेप ऑफ स्टॉर्म होता है, ये देख रहे हैं,
स्टॉर्म जो होता है फनल शेप ऑफ होता है, विच इज स्मॉलेस्ट बट मोस्ट वायलेंट एंड डिजास्टर. फनल शेप इसलिए बोला गया ना क्योंकि यहाँ से जो हमें मतलब नीचे से जो ग्राउंड सरफेस से जो देखने को मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा पाइप सा रहता है, ठीक है, और ये पाइप जो है ऊपर में जाकर थोड़ा एक्सपैंड करने लग जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको फनल शेप बोला जाता है बेसिकली. एक्चुअली फनल है नहीं, है ना, बट या ये वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है जहाँ पर अपर पोर्शन में अगर देख लीजिएगा ये फनल शेप्ड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, ठीक है, अपर शेप में, ठीक है, एंड इट इज़ फर्दर अटैच टू द ग्राउंड सरफेस जहाँ पर नैरो कॉलम ऑफ एयर, देखो यहाँ पर नैरो कॉलम ऑफ एयर है, यहाँ पर जो है बहुत वाइड कॉलम ऑफ एयर है, ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली इस टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ना इसलिए इसको फनल शेप कहा गया है ना. डायमीटर अगर देख ले फनल का तो लोअर पोर्शन में अलोंग 90 मीटर्स के आसपास रहता है और अपर में 460 मीटर तक भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेरी डार्क क्लाउड हमें का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट सैंड एंड डेब्री मटीरियल. राइट नाउ द सेंटर ऑफ टॉर्नेडो अगर बात की जाए तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है. जी हाँ दोस्तों, सेंटर में एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है और इसका लो प्रेशर मैं इसलिए बता सकता हूँ ना, देखिए 100 यूनिट का बेसिकली डिफरेंस होता है. जैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना, तो नॉर्मल केस में, नॉर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में भी अगर देख लीजिएगा तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ टॉर्नेडो देख लीजिए, यहाँ का प्रेशर और उसके बाहर वाला जो आपका जो आइसोबार है उसका प्रेशर के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट जो है अराउंड 100 MBPS के आसपास का होता है. इसीलिए विंड जो है ना एकदम रश करती है. जी हाँ, रश करती है विथ ग्रेटर फोर्स, विच मच ग्रेटर फोर्स, एकदम मैक्सिमम फोर्स हम बोल सकते हैं. इनफैक्ट इतना ज़्यादा फोर्स होता है 600 to 800 किलोमीटर पर आवर. याद है हमने जब यू नो पढ़ रहे थे टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले क्लास में ये डिस्कस किया था दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन जब 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है. डिस्कस किया था ना हमने, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में. तो और यहाँ पे पता है क्या है, देखो यहाँ पे 250 तो भाई दूर की बात है, उसकी डबल से भी ज़्यादा है. देखो 600 से 800 किलोमीटर, मतलब इस टॉर्नेडो के बीच में अगर कुछ भी आया तो आप समझ जाओ मेरे को कुछ नहीं बताना पड़ेगा क्या हो सकता है, ठीक है. तो वही चीज़ बेसिकली यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है एंड इट रैपिडली लिफ्टेड अपवर्ड एंड मतलब ऑफकोर्स यार ये फनल शेप जो है रैपिडली बहुत ही तेज से ऊपर जाती है ना, और कूल भी हो जाती है एडियाबेटिकली, जिसके कारण इसके कारण भी थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म्स होता हुआ दिखता है. इसीलिए टॉर्नेडो इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ वायलेंट थंडरस्टॉर्म. जहाँ पर भी टॉर्नेडो हमें दिख गया मतलब समझिए, ऑफकोर्स दैट इज अ काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म ओनली, बट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थंडरस्टॉर्म होता है वो, ठीक है. टॉर्नेडोज मे डेवलप सिंगली और इन ग्रुप. हाँ, ऐसा भी आपने शायद आप देख लो ना, एक काम करो यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख लो, है ना, टॉर्नेडो है ना लाइव वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, है ना. आप देखेंगे दैट दूर से एक पतला सा एकदम फनल शेप ऑफ यू नो फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ अगर देख लोगे ना ऑटोमेटिकली फील होएगा अरे भाई मैं क्या अभी तक समझा रहा था वो आपको, ठीक है. तो टॉर्नेडो जो है सिंगली भी, दैट इज आप एक ही टॉर्नेडो भी देख सकते हैं, और ग्रुप्स में भी कभी कभी फॉर्म होते हुए ये दिखते हैं, ठीक है. देयर वॉयलेंट नेचर एंड इररिपेरेबल हैवी लॉस टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ पे लॉस भी होता है. दो एग्जैक्ट मैकेनिज्म अगर देख लीजिएगा इसका, ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ टॉर्नेडोज का, अभी तक वैसे फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं किया गया, बट बहुत सारे मेट्रोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं क्योंकि भैया उस पर जहाँ पर टॉर्नेडो फॉर्म होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली कन्वेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण अनस्टेबल कॉलम हमें देखने को मिलता है एसेंडिंग एयर. इसी के कारण जो है हमें यू नो थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म, दैट इज टॉर्नेडो फॉर्म्स होते हुए दिखते हैं. और दूसरा रीजन भी दिया हुआ जाता है दैट अप थ्रस्टिंग ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एयर मास बाई कोल्ड पोलर एयर मास, वही फ्रंट के अलॉन्ग जो है बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली यू नो वार्म एयर मास को ऊपर उठा देता है, और इसके कारण भी कभी कभी यू नो इस टाइप ऑफ चीज़ें फॉर्म होते हुए दिखते हैं. इट इज़ मोर कॉमन इन स्प्रिंग एंड समर सीजन एंड बट स्टिल ये नहीं बोल सकते दैट हाँ कॉमन तो है स्प्रिंग और समर में, मतलब बट कभी भी ये फॉर्म बेसिकली हो सकता है. एंड मोस्टली इट इज़ कॉमन इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, ठीक है, ज़्यादातर वहीं पर बेसिकली दिखने को मिलता है. इट देयर अकर्स कम्प्लीटली डार्कनेस एंड मिनिमम विजिबिलिटी. अच्छा, इसका और एक चीज़ आप कभी कभी न्यूज़ में शायद
या तो आप पास्ट में सुने होंगे या फिर फ्यूचर में आप कभी भी सुन सकते हैं, दैट यू नो बारिश हो रही थी तो मछलियाँ बारिश से गिर रही थी, है ना, आप ये सुनिएगा, मछली की बारिश हो रही थी, लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्यों होता है पता है, टॉर्नेडो के कारण। टॉर्नेडो इतना फास्टली नीचे से यू नो पानी को उठाता है ना, इतना फास्ट उसको एनर्जी मिलता है, जिसके कारण जो है नीचे में मछली लोग को भी उठा देता है। आप सोचिए ना, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, तो उसमें तो कुछ भी उठा लेगा भाई, मछली सबको भी उठा के कभी कभी यू नो जब ऊपर में तो वो एक्सपैंड करता है ना यार हवा, ठीक है, तो यू नो डिफरेंट अदर अदर जगह जो है उसको फेंक देता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए बहुत समय यू नो मछलियों की भी बारिश अजीब अजीब टाइप के जगह में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूज़ आते रहेंगे या फिर फ्यूचर में भी आप कभी कभी सुन सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा दैट द मेजर रीज़न कुड बी टॉर्नेडो, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों ये दोनों टॉपिक कवर करता हूँ, ठीक है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया ही होगा ऑफकोर्स, और ऑफकोर्स कोई भी अगर डाउट है तो डाउट होना नहीं चाहिए, है ना, आपको ऑफकोर्स अगर आपने ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ये भी बिल्कुल समझना बहुत ही आसान हो गया होगा आपके लिए। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं उससे आप कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैव फॉर डे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।